ट्यूमर हो गया था गले पे। अब मैंने उसका बहुत इलाज किया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कर दीजिए। बोले आप बेफिक्र रहो, 15 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा, मैं ट्यूमर निकाल दूंगा और ये ठीक हो जाएगा। एक 10 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर से कोई आता है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो मेरा बेटा टेबल पर लेटा हुआ है और इतना बड़ा कट था उसका। और मैंने कहा जी क्या बात है, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर जो है वो निकाल नहीं सकते, वो नसों में जकड़ा हुआ है, नसों के बीच में जकड़ा हुआ है और वो एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए तो वो पैरालाइज हो जाएगा, उसको लकवा हो सकता है, एक साइड से पूरा बदन खराब हो जाएगा। बोले क्या करें, बोले बंद कर दो ऑपरेशन। तो फिर से स्टिच कर दिया उन्होंने, ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने तो ट्यूमर है इतना सा था वो इतना बड़ा हो गया 2 साल में। हमने होम्योपैथी आयुर्वेदिक बहुत सारा इलाज किया, कुछ नहीं हुआ, ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। अब वो ना उससे ठीक हो रहा है आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से, और ऑपरेशन के लिए भी नहीं जा सकते। 2 साल गुजर गए, पहला ऑपरेशन 2000 में था, अब ये 2002 तक का कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत से बाबाओं के पास गए, स्वामियों के पास गए, कुंडली जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास गए, ये सब चीज़ें हुई। बच्चे के लिए एकलौता बेटा है, इसके लिए जो जहां बोले वहां जाते थे। उन सब ने कहा कि ऑपरेशन के लिए मत जाना, ऑपरेशन मत कराना, बच्चा चला जाएगा। और एक कुंडली वाले ने तो कहा था कि 2002 तक ही आपका बच्चा है, उसके बाद आपका बच्चा नहीं है। चलो हर प्रेयर मीटिंग में हम ले जाते थे कहीं से इसको हीलिंग मिल जाए। बहुत से लोग प्रेयर प्रार्थना करते थे ये ट्यूमर निकल जाएगा, इसके गले पे ये ट्यूमर नहीं होगा। हमने कहा जी 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 जी, लेकिन 2 साल तक हमने देखा कुछ नहीं हुआ। एक बार हम लोग अमेरिका गए थे, अमेरिका वगैरह घूम फिर के निकले। अब एक संडे हम लोग चर्च में गए तो वहाँ मैं प्रेयर के लिए खड़ा था, जो पास्टर की नज़र पड़ी मेरे बेटे के ट्यूमर पे। मैंने कहा ये ट्यूमर है, उन्होंने कहा इसको ले जाओ न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल है स्लॉन कैटरिंग, उसमें ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खुदा ठीक करेगा, तुम खुदा के घर में हो, गॉड इज ओनली हीलिंग, टेक हिम टू स्लॉन कैटरिंग हॉस्पिटल, इट्स अ गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हीलिंग, गॉड इज गोइंग टू हीलिंग। तो 2-3 बार उन्होंने बोला गॉड इज गोइंग टू हीलिंग, मैंने कहा जी जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर्स आपको ठीक करेंगे, डॉक्टर का नाम मिल गया, इसको ले जाओ, गॉड इज गोइंग टू हीलिंग। वो बात मुझे टच कर गई। मेरी वाइफ ने कहा चेकअप क्यों करा रहे हैं आप, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करे तो ये होगा, लकवा मारेगा, फलाना होगा, उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ये सब बातें थी। तो मैंने कहा देखो डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और जीसस हमारा जिंदा है। मेरी वाइफ ने कहा अगर वो जिंदा है तो आपसे बात करेंगे, आप उनसे पहले पूछिए, अगर वो खुद आपसे बात करते हैं, खुद बोलते हैं कि ऑपरेशन करो, तो ही मैं अपने बच्चों को अलाउ करूंगी, वरना मैं अपने बच्चों को ऑपरेशन के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगी। मेरी वाइफ ऐसे खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, मैं तुरंत घुटने टेका और उधर ही प्रार्थना की। मैंने कहा परमेश्वर यीशु के नाम से मुझसे बात, मुझे बता कि मैं ऑपरेशन के लिए जाऊं। और मुझे आवाज आई जा बेटा जा ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ। मेरा बदन पूरा ऐसा चीज़ी। मैंने वाइफ से कहा मुझे आवाज आई कि ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के लिए जाओ। मेरी वाइफ ने एग्री की, डर था तो पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। यहाँ बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरे बेटे के लिए, हम भी बहुत प्रार्थना में थे। अब सिर्फ हमने परमेश्वर पर विश्वास करके ये तय किया था कि ऑपरेशन कर लिया जाए। अब ऑपरेशन के दिन 3 घंटे का ऑपरेशन था और मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में था। 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया। हम लोगों को डर था, जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा था उसको पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। लेकिन मेरा बेटा 3 घंटे के बाद जब बाहर आया, अपने लेफ्ट हैंड से बोला डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, बिल्कुल ठीक था। 11:30 बजे वो बाहर आया और 12:30 बजे वो वीडियो गेम खेल रहा है, बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल नरक में था,
गलतियों में था, पाप में था। मैंने कहा क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, और ये चमत्कार कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली चमत्कार नहीं है, इसको मैं इजी नहीं लूंगा। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ, उसको जब चंगाई मिली, मेरी जिंदगी बदल गई। इतने सोचा कि भाई जिंदगी में बदलाव तो आने चाहिए, तो ये सारी चीजें छोड़ दूँ, शराब सिगरेट ये वो मैंने सारी चीजें छोड़ दी, शराब सिगरेट गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना, मैंने कहा इसको छोड़ दूँ। शराब मैं 1.5 बोतल पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पीता था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए छोड़ना, ये बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तलब आती थी, लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, यीशु मुझे ताकत दे, मैं नहीं हाथ लगाऊँ इसको। कोई कहता है कि वाइन तो पी सकते हैं, मैं वाइन भी नहीं पीऊँगा, मैं टच ही नहीं करूँ, कोई चीज़ नहीं पीऊँगा। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इस मार्ग पर चल सकते हैं। हम अपने गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं, मगर गलती का पता चले तब ना। दोस्तों जब मेरी ज़िंदगी में रोशनी आई तो सबसे पहले मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरी बीवी बहुत परेशान थी मुझसे। मैंने उससे बहुत बार, एक बार नहीं कई बार माफ़ी मांगी, बार बार याद आता था, जब भी याद आया माफ़ी मांगी, जब भी याद आया माफ़ी मांगी। मेरी वाइफ बोलती है अरे ख़त्म हो गया अभी, फिनिश, आप ऐसा मत कीजिए, अभी आपने इतना आप में चेंज आ गया और आपने इतना कर दिया कि वो पूरा वसूल हो गया। मैं लोगों को हंसाता था मगर हंसी मुझसे कोसों दूर थी। दौलत शौहरत नाम होने से इंसान खुश होगा ये जरूरी नहीं है। जब ये सारी चीजें मिलने के बाद जब आपको शांति नहीं मिलती तो कोई फायदा नहीं होता। मेरी जिंदगी में यही होता रहा। मेरा असली नाम जॉन राव है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले मुंबई आ चुके थे, मैं मुंबई में धारावी माटुंगा लेबर कैंप में रहता था। फिर 10 साल की उम्र में मैं किंग सर्कल में शिफ्ट हुआ, किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था।